नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार विधानसभा में 38 करोड़ की लागत से नया म्यूजियम बनेगा। नीतीश कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बिहार सरकार ने पटना को बारिश के पानी में डूबने से बचाने का प्लान तैयार कर लिया है। पटना शहर को कुल 9 भागों में बांटकर पानी निकालने का DPR बनाया गया है। पटना शहरी क्षेत्र को बचाने के लिए कुल 957 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। ड्रेनेज आदि की व्यवस्था की जाएगी। पटना नगर निगम खगौल दानापुर में ड्रेनेज बनेगा। दरअसल पटना को डूबने के बाद CM नीतीश कुमार ने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने पटना के ड्रेनेज को सुधारने के लिए एक कंसल्टेंसी को हायर किया, जिसने ये रिपोर्ट दी है कि पटना में पानी कैचमेंट के 9 स्थान हैं। इन स्थानों पर ड्रेनेज की व्यवस्था की जाएगी, जिसके बाद कैबिनेट ने यह फैसला किया है। इसके अलावा 220 केवी और 132 केवी के बिजली तार के नवीनीकरण को मंजूरी मिली है। इस पर 498 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये राशि आधुनिकीकरण और रीकंडक्टिंग पर खर्च की जाएगी। वहीं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी बगहा भोरे दाऊदनगर बाराचट्टी में पावर सबग्रिड बनेगा। इसके साथ ही गया के विष्णुपद मंदिर के पास बन रहे रबर डैम के पास शहर के गंदे पानी को निकालने के लिए ड्रेनेज को और बेहतर करने का फैसला किया गया। इसके अलावा बिहार पत्रकार पेंशन नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। आज मंत्रिपरिषद में 24 एजेंडा पर स्वीकृति मिली। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वो पटना क्षेत्र में जल जमाव मुक्त करने के लिए 9 जोन में बांटे गए और 9 जोन के लिए कुल 957 करोड़ की योजना मंत्री